आई कौन? आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ सर, मैं अभी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। यदि आप ठीक हैं तो आपका मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल में? सर मैं प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक हूँ, सभी विषय पढ़ाता हूँ। सभी विषय? जी। अच्छा, कब से हैं आप? 2012 से सर। 2012 से? जी। 2012 में बीए किया था आपने? हाँ सर, बीए मैंने एक स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में किया था। अच्छा, फिर आप ये जो सेवा में आए हो, जी बीएड की थी आपने? बीएसटीसी की सर। बीएसटीसी की थी, और फिर इसके बाद आपने हिस्ट्री से एमए किया? जी सर। इतिहास से क्यों किया था? सर ये सब्जेक्ट मेरे 12th में भी रहा और बीए में भी रहा था। अच्छा, इसलिए आपकी पसंदीदा विषय है? जी सर। तो राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, आमेर, हाड़ौती और धौलपुर, भरतपुर, जी बहुत अलग अलग राजवंशों का इतिहास रहा है। आपको सबसे बढ़िया इतिहास कहाँ का लगता है? सर वैसे सभी राजवंशों का अपना इतिहास रहा है, लेकिन मुझे मेवाड़ का इतिहास मेवाड़ का अच्छा लगता है। तो हाड़ी रानी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या शीश कटाकर निशानी देना उचित है या फिर कुछ मांगी थी वही निशानी दे देती? सर ये तात्कालिक परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्णय लिया वो मुझे लगता है कि वो उनके हिसाब से उन्होंने सही निर्णय लिया। आपका हिसाब, आपका क्या कहना है इसके बारे में? दे देना चाहिए था शीश? उस समय की जो सर उनकी जो मानसिक स्थिति थी, उनको लगा कि अगर मैं केवल निशाने दे दूं तो जो युद्ध करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वापस उनको मेरी याद आएगी। इससे बढ़िया मतलब जो राजपूत वंश है उनके जो शौर्य वो कहीं ना कहीं उतना पराक्रम नहीं दिखा पाएंगे वो, इसलिए मैं उनको यही निशाने दे देता हूँ ताकि वो अपना पूरा धर्म वहाँ निभा सके। फिर कौन थे उनके पति जिन्होंने जाकर के शौर्य दिखाया था युद्ध में? सॉरी सर मैं नाम ध्यान नहीं है, सलूम्बर के कोई राजा चूडावत? सर नाम याद नहीं कर पा रहा अभी। कोई बात नहीं, आप प्रतापगढ़ से हो? जी सर। और आपकी पोस्टिंग भी वहीं पर है? जी प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ में कितनी तहसील आती है? सर प्रतापगढ़ जिले में 7 तहसीलें हैं सर। और यहाँ कोई ऐसा अभ्यारण है क्या जो 3 जिलों को छूरा हो? जी सीता माता अभ्यारण है सर। सीता माता अभ्यारण जो है उसकी खास बात, जो पर्यटक जाता है वहाँ घूमने वो क्या देखना चाहता है उसमें? सर सीता माता अभ्यारण की जो खास बात है वो सर उड़न गिलहरी है। उड़न गिलहरी? जी सर। तो क्या है ये उड़न गिलहरी? सर एक पक्षी है। हाँ जी सर, ये 6-7 मीटर तक उड़ता है सर, और विशेष करके ये महुआ का जो पेड़ है उसके खोखले में रहता है सर अंदर। जी सर, और इसके निकलने का समय सर शाम को 6-7 बजे सूर्यास्त का समय रहता है सर। तो ये जो उस खोखले में से निकल के दूसरे खोखले में जाता है या पेड़ की डाली पर बैठता है? क्या डाली पे मतलब जंप लगाता है 6-7 मीटर तक का या जंप लगा देता है? जी सर। यहाँ कोई नदियां भी बहती है क्या सीता माता प्राण में? जी सर। कौन सी? सर जाखम नदी है। जाखम नदी, जाखम बांध भी है यहाँ पर? जी। यह नदी कहाँ से निकलती है? सर जाखम नदी है। जाखम नदी। यहाँ पड़ोसी जो जिला है बांसवाड़ा, वहां कोई बड़ी सिंचाई परियोजना है? जी सर। क्या नाम है? प्रतापगढ़ जिले की छोटी साड़ी तहसील का जाखमिया गांव है, वहां से इसका उद्गम स्थल माना गया था। अच्छा, माई जो परियोजना है क्या सिंचाई से ही संबंध रखती है या बिजली से भी संबंध रखती है या जल पानी से भी रखती है? माई बजाज बांध परियोजना। चलिए एक सवाल और बताएंगे आप। जी सर। जैसमंद झील किस नदी पर बनी हुई है? सर इसका संबंध पेयजल से, बहुउद्देशीय परियोजना है सर, पेयजल भी है यहाँ पर, विद्युत का उत्पादन भी होता है और सिंचाई की सुविधा भी है इससे। अच्छा, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का जब युद्ध लड़ा था, जी सर, युद्ध समाप्त हो गया
चेतक भी बिछड़ गया, अव्यवस्था हो गई थी, तो तत्कालिक राजधानी कौन सी बनाई थी हल्दी घाटी के बाद? उन्होंने सर अपनी राजधानी चावंड बनाई सर। चावंड? जी सर। और इससे पहले कुछ और याद करिए, तत्कालिक राजधानी चावंड हो सकता है बाद में बनाई हो, हल्दी घाटी की बात कर रहा हूं मैं आपको, 76 के बाद। सॉरी सर याद नहीं आ रहा हूं। ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं कर पा रहा सर मैं। चलिए, बीएसटीसी जो आपने किया है और बीएड में बेसिकली क्या डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में? बीएसटीसी करने के बाद सर प्राइमरी मैम प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनता है, और बीएड करने के बाद वो यूपीएस या फिर सेकेंडरी में द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्य कर सकता है। इसकी एजुकेशन जो प्रणाली है जो इसमें है उसमें भी कोई डिफरेंस है? बीएसटीसी मैम 12वीं करने के बाद कर सकता है, और बीएड बीए करने के बाद, या फिर अभी जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड या बीए बीएड। आजकल कोरोना काल चल रहा है तो आप प्राइमरी के टीचर होते हुए किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मैम कोरोना काल में अभी सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट चला रखा है जिसके माध्यम से व्हाट्सएप से उनके शिक्षण सामग्री प्राप्त होती है, और उनके बच्चों के पेरेंट्स के जो नंबर है हमने एक ग्रुप बना रखा है उसके माध्यम से हम उनको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो उन बच्चों के हम घर जा कर के होमवर्क देते हैं, और 2 दिन बाद जा कर के वापस उन होमवर्क को हम कलेक्ट करके स्कूल में एक फाइल बना के रखते हैं। ये शिक्षण सामग्री कौन बनाता है, आप लोग स्वयं तैयार करते हैं या सरकार आपको कहीं से प्रोवाइड? सरकार प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों आप लोग ये खुद क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे? नहीं मैं हमारे स्तर पे भी हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। आप एक बात बताइए, एक तरफ हम बच्चों के लिए एक साल पहले तक ये बोल रहे थे कि मोबाइल बच्चों के लिए हानिकारक है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो रेडिएशंस है वो आइस पे इम्पैक्ट करती हैं, ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। अभी हम खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जस्टिफाइड है? मैम अभी हमारे पास ज़्यादा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस भी रखना है, और विशेष करके छोटे बच्चों को हमें मतलब स्कूल बुलाने पर पहले जिस चीज को हम धीमा जहर कह रहे थे, आज हम क्योंकि कोरोना काल आ गया तो उस धीमे जहर को हम उन मासूम बच्चों को दे रहे हैं। नहीं मैम इसमें वापस सरकार ने टाइम लिमिट कर रखा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केवल आधे घंटे के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध रहती है। आपने एथिक्स तो पढ़ाई है इसमें? जी सर। सिलेबस में भी है? जी। आपको एक अच्छा प्रशासक बनाने के लिए? यस सर। एक अच्छे टीचर के क्या मॉरल वैल्यूज होते हैं? शिक्षक में सर एक नैतिकता और बच्चों के प्रति सहानुभूति। नैतिकता तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि क्या नैतिक मूल्य होते हैं एक टीचर में जो होने चाहिए, एक अच्छा टीचर किन नैतिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करेगा? जैसे आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं अभी, तो आप अपनी क्वालिटी बताएं कि मेरे अंदर एज ए टीचर ये अच्छी चीजें हैं। सर उनमें संवेदनशीलता होनी चाहिए और दूसरों की भाव मनोविज्ञान की सामान्य समझ होनी चाहिए, बच्चों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए सर, और शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। अच्छा आजकल ये जो आप चूंकि प्राइमरी के टीचर हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं वो लगभग 5 से 10 साल की आयु के बच्चे होते हैं? जी सर। इनकी क्या साइकोलॉजी होती है बच्चों की, अभी कुछ आपने नोटिस किया कुछ चेंज हुई साइकोलॉजी पहले की अपेक्षा, कुछ बदलाव आए हैं इस आईटी वाले युग में? सर उनमें दिमाग, मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्रियता है दिमाग की वो ज़्यादा विकसित हो पाई है सर। अच्छा दिमाग पहले से की अपेक्षा तेज? पहले भी था सर, लेकिन इस आईटी युग मोबाइल आने के बाद और ज़्यादा वो एक्टिवनेस दिखती है उनमें। अच्छा दिखती। अच्छा ये जो सिलेबस है बच्चों का, क्योंकि हम ये मानते हैं आप भी मानते होंगे कि 5 से 10 साल की आयु ही एक ऐसी आयु थी जिसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 15 साल की आयु तक उसका दिमाग जो है प्लास्टिक माइंड की तरह काम करता है। तो ये जो एज है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि उसकी पर्सनैलिटी भविष्य में आगे जाके कैसी बनेगी। इसलिए प्राइमरी टीचर का जो योगदान होता है वो बहुत बड़ा योगदान होता है कि उसमें उस समय जो इनकलकेट किया जाता है वो उसके जीवन भर काम आता है। अभी जो ये सिलेबस में आप लोग जो पढ़ाते हैं,
उसमें क्या तो आपको अच्छाइयाँ नज़र आती है और क्या उसमें कमियाँ हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी है और क्या जुड़ना चाहिए नया? अभी जो सिलेबस आप पढ़ाते हो बच्चों, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और कौन सी नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, अभी जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है इसमें जैसे सरकार ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही सिलेबस को बनाया गया है, लेकिन नई चीज़ के लिए और मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा चित्रात्मक किताबें होनी चाहिए, विजुअलाइज कर सके बच्चा। उसके अलावा कोई, जैसे आपको नहीं लगता कि पहले जैसे हम पढ़े थे, आप पढ़े थे, उस समय मॉरल वैल्यूज से संबंधित किताबें ज़्यादा थी, कथा थी, कहानियाँ थी, तो उससे हम कुछ ज़्यादा अच्छे चीज़ें सीख पाते थे? आज ऐसा है उस पाठ्यक्रमों में? सर इसके लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी? नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मैं केवल सिलेबस में पूछ रहा हूँ कि हम कैसे बच्चों में इस अभी जो व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, कैसे नैतिक मूल्य उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकलकेट कर सकते हैं? यही तो उम्र होती है करने की। जी सर। तो फिर उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें सिलेबस में और जोड़ी जाए जिससे उसका नैतिक रूप से एक अच्छे सामाजिक प्राणी के रूप में विकास हो सके? हम आज ऐसा नहीं है कि सूचनाएं दिए जा रहे हैं उसको। जी बिल्कुल सर। और उसको एक कंप्यूटर जैसा बना दिया हमने, क्या लगता है आपको ऐसा चाइल्ड साइकोलॉजी देखकर? इसके लिए सरकार ने प्रावधान काफी कर रखा, जैसे अभी मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, आपके स्तर पर क्या सर इसके लिए हम और सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जैसे सिलेबस में आप क्या चेंज का सुझाव करेंगे? सुझाव के लिए सर जो चित्रात्मक किताबें होनी चाहिए सर। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती थी जी मैम, इनका और संविधान का क्या तालमेल है? भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा की जो प्रारूप कमेटी है उनका अध्यक्ष बनाया गया था, और इनका संविधान निर्माण में बड़ा योगदान माना जाता है। क्या मतलब बताओ थोड़ा डिटेल में। मैम इन्होंने संविधान में जो इस तरह के प्रावधान किए हैं जिसके माध्यम से हमारा जो देश है लगभग 75 साल होने वाले हैं, तो एक अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा है और उसमें हमें ज़्यादा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। आरक्षण को लेकर क्या मानना है आपका? आरक्षण जो वर्ग मतलब ये अच्छी है आपके अनुसार या इसको हटा देना चाहिए? आरक्षण में जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, और इसकी मुझे लगता है जरूरत है अभी। आरटी एक्ट क्या है? ये बच्चों में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया इसके माध्यम से, और इसमें सरकार अभिभावक शिक्षकों के सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार मैम, इसको मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया और बच्चों का मौलिक अधिकार भी दिया गया इसको। अच्छा, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार व्यक्ति को सरकार या राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और मूल कर्तव्य जो होते हैं हम सभी नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। उसमें जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी। कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? हम संख्या अभी एग्जैक्ट पता नहीं मुझे। नारायण, आपकी हॉबी योग है? यस जी सर। कब करते हो? सुबह करता हूँ सर, मॉर्निंग। क्या क्या करते हो? सर इसमें मुख्य रूप से मैं सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और अनुलोम विलोम करता हूँ। आपके आरएएस में योग एक विषय भी रहा है क्या? जी सर रहा है सर। आप बताएंगे योग किसे कहते हैं? योग सर पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप कौन कौन सा जैसे कपाल भाति, अनुलोम विलोम जो बाबा रामदेव वाले हैं इनको करते हो? अनुलोम विलोम करता हूँ सर। अनुलोम विलोम करते। प्रतापगढ़ जिला कब बना था? प्रतापगढ़ जिला सर 2008 में बना। 2008 में। कौन सा जिला है ये राजस्थान का? सर ये राजस्थान का 33वां जिला है। 33वां। अपने मेवाड़ में बहुत सारे नृत्य होते हैं। जी सर।
तो भीलों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सर भीलों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी है सर। गवरी, आप जानते हैं इसके बारे में? जी सर। कितने दिन तक चलता है ये? ये सर लगभग 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक। क्या है इस गवरी में इतना लोकप्रिय? सर इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं वो रक्षाबंधन के बाद से अपने घर से निकल करके हर गांव में जाते हैं, नृत्य करते हैं। उसमें मुख्य रूप से शिव और पार्वती। राजस्थान को एक और नृत्य बताइए जो घूम करके किया जाता है, जिसे राजस्थान का सिरमौर कहते हैं नृत्य को। घूमर। घूमर। लास्ट सवाल पूछना हूँ मुझे आपसे, गरासियों के भी कोई प्रसिद्ध नृत्य है क्या स्पेशल अलग से? ये सर पर ध्यान, कोई वालर नृत्य नाम सुना ना? वालर। जी सर। ये किसका है? गरासियों का है। अच्छा, चलो थैंक यू। थैंक यू सर।